हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आभा होममेड कुकिंग ब्लॉग विथ हनी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ भगवान जी को टीका लगा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर दीपक जला दिया है और धूप बत्ती भी जला दी है। तो यहाँ पर मैं बस अब ये दीपक दिखा रही हूँ और मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और सारा काम ख़त्म होने के बाद भगवान को ध्यान कर ले तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और यहाँ मैं ये कपूर जला रही हूँ, तो कपूर का धुआं करना घर के लिए अच्छा होता है। तो अब मेरी बेटी की थोड़ी देर में ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है, तो मुझे उसकी ऑनलाइन क्लास में उसके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाता है तो फिर बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं और हमें ही उसे मैनेज करना होता है। और मैंने इन्हें नाश्ता वगैरह दे दिया है और ये ऑफिस जा चुके हैं। तो बस अभी मेरी पूजा होने ही वाली है, तो मैंने अच्छे से यहाँ पर पूजा कर दी है। और अब मेरी पूजा हो गई है, तो यहाँ मैं अपने लिए पराठे सेक रही हूँ। तो मैंने अपना पराठा बनाकर नहीं रखा था, तो आज मैंने नाश्ते में सत्तू के पराठे और कच्चे केले की सब्जी बनाई थी। तो मैं अपना पराठा यहाँ गर्म ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब पराठा बनकर तैयार हो चुका है, तो मैं अब बस यहाँ पर नाश्ता करने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया और मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आज डोनट बना रही हूँ। तो डोनट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कटोरी में एक कटोरी रिफाइंड फ्लोर लिया है, उसमें मैंने आधी कटोरी पीसी हुई चीनी डाल दी है। साथ ही इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। तो इन सबको मैंने इस रिफाइंड फ्लोर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और डोनट बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब इसमें मैंने चार छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, तो इन सबको हमें इस रिफाइंड फ्लोर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं अभी इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें दही ले लिया है, तो इस आटे को हमें दही की हेल्प से तैयार करना है। तो इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और इसमें इतना ही दही डालना है जितने में ये आटा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इस आटे को ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, इसे एक नॉर्मल आटे की तरह तैयार करना है। तो बस मैंने इसमें सारी चीज़ों को डाल दिया है और बस अब मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिलाकर फिर तैयार करना है। तो बस मैंने इसे अच्छी तरह से मिला कर इसका एक नॉर्मल सा आटा तैयार कर लिया है। तो बस अब ये आटा तैयार हो चुका है। तो अब इस आटे को ढककर हमें 30 मिनट के लिए रखना है। इस आटे को बनने के बाद 30 मिनट तक ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके बिना इसका डोनट अच्छा नहीं बनता है। तो ये देखिए आटा यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। तो अब बस इस आटे को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने इस आटे को लिया है और इसमें वापस से मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाले हैं। और फिर से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से मिलाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मिलाना है। तो मैं यहाँ इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। अब मैंने इसके 2 बड़े गोले बनाए हैं और अब मैं इसे थोड़े से सूखे रिफाइंड फ्लोर मैंने लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसे अब बेल रही हूँ बेलन की सहायता से। तो इसे ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये आप देखिए इसके किनारों, इसे ऐसा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैंने एक ग्लास में रिफाइंड फ्लोर को थोड़ा सा लगाया है और उस ग्लास से इसे फिर डोनट के शेप में कट कर रही हूँ। तो इस सारे को मैंने डोनट की शेप में कट करने के लिए सबसे पहले गोल कट करा है, उसके बाद मैंने एक पीने वाली पानी की बोतल की ढक्कन ली है
और उसके बाद उस ढक्कन की हेल्प से इसे बीच से फिर छोटे छोटे कट कर रही हूँ ताकि ये डोनट की शेप में आ जाए। तो अब ये देखिए आप, हमारा डोनट का शेप बनकर तैयार हो चुका है। फिर मैंने जो बीच का कट है ये सारे मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए डोनट का शेप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और हमें इसकी फ्लेम लो ही रखनी है, इसे ज़्यादा मीडियम या फिर ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो फिर मैंने इन सारे डोनट के शेप को इसमें डाल दिया है और इसके बाद अब मैं इसे धीरे धीरे तलूंगी। तो ये देखिए हमारा डोनट अब धीरे धीरे फूलने लगा है और इसे बस लाइट ब्राउन करना है, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद मैंने बाकी सारे डोनट को भी ऐसे ही तल कर तैयार कर लिया है। तो ये फिर दूसरी बार के डोनट को कट कर रही हूँ। तो अब ये देखिए हमारा सारा डोनट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस डोनट को हम ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो अब हम लोग इसे डेकोरेट करके भी खा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीले में आधे पतीला पानी लिया है और उसे गैस पे मीडियम फ्लेम पे रखना है और उसके ऊपर मैंने एक प्लेट में मिल्क चॉकलेट डाली है और उसे मेल्ट करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने आधी चम्मच घी डाली है इस चॉकलेट, ताकि ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो घी डालने के बाद फिर मैं इसे चला रही हूँ और ये मेल्ट हो गया है मिल्क चॉकलेट, तो मैंने इसे उतार दिया है। अब मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन चॉकलेट लिया है तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। इसमें भी हमें आधी चम्मच घी डाल देना है। इसके बाद फिर इसे ऐसे ही चलाना है, इसे भी मेल्ट कर लेना है। तो हमारे दोनों चॉकलेट मेल्ट हो चुके हैं। अब मैंने डोनट लिया है और उसे मैंने पहले डार्क चॉकलेट में डिप किया है, उसके बाद मैं इसमें व्हाइट चॉकलेट की हेल्प से डिजाइन बना रही हूँ। तो इसमें आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट में डिप करके और उसके बाद फिर मैं यहाँ व्हाइट चॉकलेट से डिजाइन बना रही हूँ। तो ये डोनट डेकोरेट होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखते हैं और आप चाहे तो इसे बिना डेकोरेट किए भी खाएं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। अब फिर मैं यहाँ छोटे छोटे स्प्रिंकल डाल रही हूँ, तो इस स्प्रिंकल की हेल्प से भी मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा एक डोनेट डेकोरेट हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे ही डोनेट को डेकोरेट कर लेना है। तो आप इस पर जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये सारे डोनट डेकोरेट हो चुके हैं। अब ये कैसे लग रहे हैं देखने में, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो अब अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो आप इसे सिर्फ पीसी हुई चीनी से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये पीसी हुई चीनी ली है और इसमें अब बाकी डोनट को इससे डेकोरेट कर रही हूँ।
तो बस इन सारे डोनट को पिसी हुई चीनी में डालकर डिप कर देना है। ये इस तरह से भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग को मेरी ये ब्लॉग और मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को अगर मेरी ये वीडियो और ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी और आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो ये यहाँ पर मेरी चीनी वाली डोनट भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी दोनों तरह की डोनट तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोनों तरह की डोनट देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।